मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरे पापा बहुत सख्त हैं। हाँ, ये तो पापा से भी नहीं डरता है। रूसी कुत्ता होगा, पर मुझे तो रूसी आती नहीं है, इसे कैसे समझाऊंगा? यू गो गो। हैं? ये तो चला गया है। अंग्रेजी समझता है, इसका मतलब है ये अंग्रेजी कुत्ता है। शुक्र है इसे जान छुटी, वरना मामा तो नो। सुंबल, पता मैंने क्या बनाया? यानी तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या बनाया? खैर, तुम्हारी बनाई हुई चीज को तो खा के भी पता नहीं चलता कि तुमने क्या बनाया। मैंने रस मलाई बनाई है। रस मलाई बनाना इतना मुश्किल होता है, उसे खाना भी उतना ही मुश्किल होता है। पुप्पू, रस मलाई बनाना कौन सा मुश्किल काम है? एक रस लें, उसके ऊपर मलाई लगाएं, रस मलाई तैयार। अप्पा जी को शुगर है, लेकिन फिर भी वो मेरी बनाई हुई रस मलाई जरूर खाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो रस मलाई मैं बनाती हूँ वो मीठी नहीं है। वाह, भाई क्या बात है? वो कुछ नहीं, वो कुत्ता तो मेरे पीछे नहीं आया। तुम्हारी पैंट को क्या हुआ है? वो मामा जिस मोहल्ले में गया था ना, वहाँ ये फैशन है। ये फैशन क्यों है? वहाँ कुत्ते बहुत ज्यादा होते हैं ना। बॉबी, अब अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे आया तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। वो मामा कुत्ता मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रहा था, वो तो आगे आगे आ रहा था। चलो सुंबल, उठो ना, उठो उठो उठो। पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता है कि जब मैं कोई चीज बनाऊं तो सबसे पहले तुम्हें खिलाऊं। चलो उठो ना। क्यों क्यों, आखिर क्यों तुम्हारा ये दिल क्यों चाहता है? मेरे तुम्हारे ताल्लुकात तो कभी खराब नहीं रहे। आओ ना। हैं, ये अंदर आ गई है। कौन अंदर आ गया? वो मामा कुत्ता तो अंदर नहीं आया। ओहो, तुम बगैर इजाजत अंदर आ गई, वेरी बैड। सुंबल, आके खा के तो देखो। बॉबी, तुमने इतनी सारी रसमलाई खा ली? वो मैंने? हाँ? हाँ, वो कुत्ते ने तो नहीं खाई, मैंने खाई है। भाई को इतना शौक है कुत्तों का कि हर बात में कुत्ते का जिक्र जरूर होता है। जायका कैसा है बॉबी? वो मैंने देखा नहीं। ये सारी खा गई और कह रहा मैंने देखी नहीं। नुसरत की बनाई हुई चीजें ऐसी होती हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ये ना, इसने रसमलाई ज्यादा खा ली है। अच्छा ठहरो, मैं खा के बताती हूँ कि जायका कैसा है। नहीं नहीं मामा, ये ना खाना, ये खाने वाली नहीं रही। क्या मतलब है? मैंने खुद बनाई है, क्या मतलब खाने वाली नहीं रही? वो फूफा, इसमें कुत्ता पड़ गया था। क्या पड़ गया था? क्या मतलब है, क्या मतलब है, कुत्ता पड़ गया था इसमें? हैं, ये कौन भौंका? ये मुझे खांसी आई थी। मामा ने कितनी बार कहा है कि कुत्तों के साथ ना फिरा करो, तुम्हारी खांसी भी कुत्तों जैसी हो गई है। बॉबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आई, क्या हुआ? वो दर्द हुआ। किसने कहा था तुम्हें इतनी रसमलाई खाओ? ठहरो, मैं खुद खा कर दिखाती हूँ। नहीं पुप्पो, इसे नहीं खाना, ये इसे कुत्ते ने खाया है। बॉबी, बॉबी तुम इसे अंदर ले आए हो? वो मामा मैं नहीं लेके आया, मैंने इसे बड़ा समझाया लेकिन इसे उर्दू समझ नहीं आती है। इस कुत्ते ने मेरी रसमलाई खाई है। इसे कोई बात नहीं, तो तुम ऐसे करो, इसको फौरन उठाओ, इसको बाहर छोड़ कर आओ। अब अगर दोबारा ये यहाँ नजर आया तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। जी छोड़ता हूँ। खैर जाओ,
चलो लो भी फिर सुनाओ ना, पहचाना नहीं पहचाना? बताता हूँ बताता हूँ, मैं दरअसल खुशिया का सांडू था। उस जमाने में मैंने टेंट कराई हुई थी, ये जब से मेरी जुल्फे आई हैं आजकल मैं उसका हम जुल्फ हूँ। मेरा नाम दुखिया है। मैं किसी के घर नहीं जाता, आप यकीन करें मैं अपने घर नहीं जाता। लेकिन आप मुझसे अब ये पूछे कि मैं बिन बुलाए आपके घर में कैसे आ गया? बताएं क्यों आए? बेबी जी आपने तो सच मुझे पूछ लिया। खैर अगर आप पूछ ही लिया है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर आप कुछ नहीं करते तो आप तरक्की करें। खुशी ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया। यकीन करें मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हालांकि मैं किसी की इज्जत नहीं करता, मैं जिसकी इज्जत करूं वो समझता मैं उससे उधार मांगने आया हूं। तुम क्या उधार लेने आए हो? बीबी जी मैंने जिससे बेवकूफ बनाना हो ना मैं उससे उधार मांग लेता हूँ। अब खैर आपको क्या बनाना, मैं आपको सुपरस्टार बनाना चाहता हूँ। ओहो काम बताओ। और बीबी जी अब भला मैं आपसे काम करवाता हूँ कुछ अच्छा लगता हूँ? वैसे भी काम वाली रख ली हमने। मेरी बात सुनो, तुम बोले चले जा रहे हो और कह कुछ नहीं रहे, क्या बात है? तुम कोई सियासतदान हो? बीबी जी आप मेहरबानी करके जल्दी से मुझे ऑटोग्राफ दे दे। आप यकीन करें कि कुछ अरसे के बाद आपने बहुत मशहूर हो जाना, फिर आपके पास ऑटोग्राफ देने का टाइम नहीं होगा। ये टाइटैनिक वाली टीम नहीं, वो आजकल यहाँ आई हुई है, वो अपनी नई फिल्म के लिए नए चेहरे तलाश कर रही है। अच्छा नया चेहरा चाहिए? मैं तो जब भी पार्लर जाती हूँ मेरा चेहरा हर बार नया हो जाता है। बीबी जी अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया ना तो आपने बहुत मशहूर हो जाना और फिर आपने मुझे नहीं पहचानना। क्यों? ये जितनी मशहूरी रोहिणी है ना मुझे नहीं पहचानती, ये अपनी अंजुमन को ही ले ले। मुझे भी नजूमी ने कहा था कि तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी होगी। हाँ नुसरत तो तुम बड़ी लगती भी हो। बीबी जी ये जो हॉलीवुड वाले नहीं है ये सारे काम मुझसे लेते हैं। इनकी फिल्म थी ना सालन साहब द लैम्प, और लैम्प मैंने तो लेके दी थी। मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी फिल्मों की हीरोइन बने। पर सुंबल की अंग्रेजी तो बॉबी की नजर से भी ज्यादा कमजोर है। कॉलेज के जमाने में मैंने एक अंग्रेजी ड्रामे में भी काम किया था। है? क्या रोल था मामा? गूंगी लड़की का। बीबी जी आप मुझे ना कोई अपनी वीडियो दे दे। मेरी ना शादी की वीडियो फिल्म है, उसमें मरकजी किरदार मैंने अदा किया है, वो दे दो। और बीबी जी कोई अपनी ताजा वीडियो बनाए, माड़ा खुश रखे आपने एक्टिंग करनी है। वैसे तो हर औरत ही बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है, लेकिन सुपर हिट करेक्टर जो होता है वो खामन का होता है।